टीवी एक्टर मोहित मलिक और एक्ट्रेस रुबीना दिलेक की बहस को कई बार रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में देखा गया है। रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 इन दिनों खूब सुर्खियों में छाया हुआ है। ये तेजी से अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। इस शो के दौरान टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने कनिका मान को चीटर भी बताया था। गल यही नहीं बल्कि रुबीना दिलेक को अपनी टीम के कैप्टन मोहित मलिक से भी बहस करते हुए देखा गया था। बता दें कि टीम लीडर होने के नाते मोहित मलिक ने स्नेक वाले टास्क में रुबीना दिलेक को ही भेज दिया था, मगर इसके बाद इन दोनों में काफी झगड़ा देखने को मिला और इसकी वजह से रुबीना के फैंस मोहित को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में मोहित मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में एक वेबसाइट से बातचीत के दौरान रुबीना दिलेक संग अपने हुए वाद विवाद पर मोहित मलिक ने बात करते हुए कहा है कि हम दोस्त थे और हम वहाँ भी दोस्त ही रहे, बस इतना है कि खेल में कैमरा पर उस खास दिन कुछ ऐसा होता है कि हर कोई सब कुछ भूल जाता है और होटल में वापस आ जाता है। रुबीना वो है जो मुझे नमक देती है, क्योंकि मुझे कभी कभी नमक की जरूरत होती है जब मेरा शरीर थक जाता था, और इसलिए रुबीना मुझे रोज नमक देती थी। रुबीना तो वो है जिसके पास हर समय नमक, अगरबत्ती या पौधे जैसी चीजें होती है, और इसलिए उसके कमरे में ये सब कुछ था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मोहित ने ये भी कहा कि कुछ लोग इन मामलों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जबकि असल में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। दरअसल दोस्तों को बता दें कि रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस शो से कई कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी हो चुके हैं, तो वही कुछ लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आए हैं। बता दें कि इस शो के फिनाले में मोहित मलिक और मिस्टर फैसू के बीच जबरदस्त टक्कर दर्शकों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।